हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फ़ोन में पावर बटन दबाने पर स्विच ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आ जाना है। तो जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे आना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वेक गूगल असिस्टेंट का। यह ऑप्शन चालू है तभी ऐसा हो रहा है। देखिए अभी यह ऑप्शन चालू है, अभी हम अपने पावर बटन को दबाते हैं जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है। तो देखिए गूगल असिस्टेंट चालू हो रहा है और फ़ोन स्विच ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अभी हम इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं। अब देखिए हमने बंद कर दिया, अब अपने पावर बटन को दबाते हैं तो अभी देखना यहाँ पर फ़ोन स्विच ऑफ़ करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस तरह बंद कर देना, आप चाहें तो यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। फ़ोन के सेटिंग्स में आएंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है पावर बटन या फिर पावर। तो यहाँ पर आ जाएगा वेक गूगल असिस्टेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसी सेटिंग्स में आ जाएंगे, अब यहाँ से आसानी से बंद कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को बंद करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में पावर बटन दबाकर रखना है जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पावर ऑफ़ करने का और रीस्टार्ट करने का। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना, तो रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे इस बार आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और फ़ोन को रीस्टार्ट करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन के सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब सही हो जाएगी। तो इतना करने के बाद फिर कभी आपको आवश्यकता पड़े फ़ोन स्विच ऑफ़ करने का तो आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह आप सही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।